ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बढ़ते हुए पेट को कम कैसे किया जा सकता है। तो अगर बढ़ता हुआ पेट आपका भी मसला है तो आपको भी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करती चलूँ कि कोई डाइट ऐसी नहीं है जो सिर्फ पेट से फैट कम कराएगी। हाँ, कुछ टिप्स और ट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अंडरलाइंग इशू बेहतर हो जाता है। जैसे अगर किसी को गैस का मसला है, ब्लॉटिंग का मसला है, तो वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पेट भी अंदर जाना शुरू हो जाएगा। कई दफ़ा ये होता है कि आप पूरा दिन एक कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जैसे कॉल सर्विस सेंटर में जो लोग काम करते हैं, जो लोग बैंक में जॉब करते हैं, या कोई भी जॉब ऐसी जिसमें आपने पूरा दिन एक कुर्सी पर बैठे रहना है, तो उस पर पेट पर चर्बी आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब एब्डोमिनल फैट यानी पेट पर चर्बी को लाइट नहीं लेना, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों की अलामत हो सकती है। एब्डोमिनल फैट की वजह से दिल की बीमारियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्लड प्रेशर के, शुगर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अगर आपका पेट पर फैट आ रहा है तो इसको इतना ज़्यादा लाइट मत लें, फ़ौरन अपना रूटीन चेकअप एटलीस्ट ज़रूर करा लें, और जो बेसिक हमारे हेल्थ टेस्ट होते हैं वो भी ज़रूर करा लें, जिसमें आपके लिपिड प्रोफाइल वगैरह आ जाती है, और अपने ब्लड प्रेशर और शुगर को मॉनिटर करते रहें। इसी तरह पेट बाहर निकला होना फैटी लिवर की निशानी भी हो सकती है, तो फैटी लिवर का टेस्ट भी अपना एक दफ़ा ज़रूर चेक करा लें। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर पेट बाहर निकला हुआ है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। चिया सीड्स बहुत अच्छे हैं ब्लॉटिंग के लिए, गैस्ट्रिक इश्यूज़ के लिए। चिया सीड्स बाकायदा तौर पे पेट को कम करने के लिए भी हेल्पफुल देखे गए हैं। 1 से 2 चाय के चम्मच चिया सीड्स 30 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख देने हैं। फिर उसमें लीमू निचोड़ के निहार मुँह उसका इस्तेमाल करना है। अगर निहार मुँह आपसे चिया सीड्स इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि 30 मिनट पहले भिगो के रखने होते हैं, कोई घर में उठ के रखने वाला नहीं है और आपको आदत है कि आपने उठते साथ ही भाई काम पे जाना है, नाश्ता भी बड़ी मुश्किल से होता है, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि इनको रात को सोने से पहले या शाम को 4 से 5 बजे इस्तेमाल कर लें, या आप ऑफिस जाते हुए इनको साथ ले जाएँ। ऑफिस में अपनी बॉटल के अंदर चिया सीड्स डालकर साथ ले जाएं और पूरा दिन में थोड़ा थोड़ा करके इनको पीते रहें। 1 लीटर की बॉटल बना लें, 2 लीटर की बॉटल बना लें, या जाके ऑफिस में अपने पास ग्लास में चिया सीड्स 1 चाय का चम्मच डाल के रख लें। जब वो फूल जाएं 30 मिनट के बाद, तो वो पी लें, ऊपर से 1 ग्लास पानी और पी लें। दूसरा तरीका आता है जिंजर टी का। सुबह उठते साथ ही 1 इंच के करीब जिंजर का टुकड़ा पानी में उबाल कर, जब उसको एक उबाला आ जाए उसको कप में डालना है, उसके अंदर 1 चाय का चम्मच शहद शामिल करना है, थोड़ा सा लीमू निचोड़ना है और उसका इस्तेमाल करना है। तीसरा तरीका आता है दालचीनी। दालचीनी बहुत अच्छी है एब्डोमिनल फैट के लिए। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा रात को 1 कप पानी में भिगो के रख देना है, उठते साथ ही वो पी लेना है। अगर किसी वजह से आप दालचीनी भिगो के रखना भूल गए हैं, तो सुबह पानी का गर्म करके उसमें 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल के उसको ढक के रख देना है, वो इस्तेमाल कर लेना है कहवे की तरह। चौथा आता है जीरा। जीरा भी बहुत अच्छा है एब्डोमिनल फैट के लिए। 1 चुटकी सफ़ेद जीरा रात को 1 ग्लास पानी में भिगो के रख देना है, उठते साथ ही वो पानी आपने पी लेना है। ख्वातीन के लिए अजवाइन बहुत अच्छी है। 1 चुटकी अजवाइन या तो चाय में डाल के ले लें, या उसका कहवा बना के ले लें, या रात को पानी में भिगो दें, उठते साथ ही ले लें। इसी तरह फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज जो हैं, वो भी ख्वातीन के लिए बहुत अच्छे हैं और वो भी एब्डोमिनल फैट को कम करने में हेल्पफुल साबित होते हैं। सलाद के ऊपर 1 चाय का चम्मच अलसी के बीज दादर करके डाल लें और वो सलाद आपने उसी वक्त 20 मिनट के अंदर अंदर खा लेना है, वरना चिया सीड्स जो हैं उनका जो वोलाटाइल ऑयल है वो ज़ाया हो जाता है। सो चिया सीड्स भी इवन मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खवातीन के लिए बाकायदा तौर पर ये अच्छे देखे गए हैं। एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल जो है वो भी बहुत अच्छा पेट को कम करने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल अक्सर लोग गलत तरीके से करते हैं। सुबह उठ के निहार मुँह हरगिज़ इसका इस्तेमाल नहीं करना। इसको सलाद पे डाल के दोपहर या रात के खाने के साथ 2 खाने के चम्मच एप्पल साइडर दोपहर या रात के खाने के सलाद के ऊपर डाल के आपने इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपने खाने से आधा घंटा पहले 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर जो है वो पानी में डाल के पी लेना है और उसके आधे घंटे के अंदर अंदर खाना खा लेना है। इस्बगोल बहुत अच्छा है बढ़ते हुए पेट को रोकने के लिए, क्योंकि ये भी गैस्ट्रिक इश्यूज़ को कम करता है, अगर कोई ब्लॉटिंग वगैरह हुई हुई है उसको कम करने में हेल्पफुल साबित होता है। सो 2 खाने के चम्मच इस्बगोल रात को सोने से पहले 2 ग्लास पानी में डाल के
पी लेना है, और हो सके तो तीसरा नीम गर्म पानी का ग्लास ऊपर से पी लें, मतलब 3 गिलास पानी के साथ आपने इसबगुल का इस्तेमाल करना है। अगर ये आपको मुश्किल लगता है या बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है तो आप इसका इस्तेमाल 4 से 5 बजे भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल 4 से 5 बजे के करीब भी किया जा सकता है। इसी तरह लेमन ग्रास टी और ग्रीन टी भी बहुत अच्छी है बढ़ते हुए पेट को कम करने के लिए। दिन में स्नैक के तौर पर 2 से 3 दफ़ा बस खाने के साथ नहीं पीनी, खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटे बाद ग्रीन टी या लेमन ग्रास टी का इस्तेमाल करें। यह भी पेट की चर्बी को कम करने में हेल्पफुल साबित होती है। सारी चीज़ें एक साथ ट्राई नहीं करनी, एक वक्त में एक नुस्खा ट्राई करना है, ये ना हो कि शुगर लो हो जाए। शुक्रिया बहुत बहुत।